नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स जूनियर रेजिडेंट गैर शैक्षणिक भर्ती 2021 की, और साथ में बात करेंगे नीट की बजाय 12वीं के मार्क्स से मेडिकल कोर्सेज में दाखिले का सुझाव जो किस राज्य ने दिया है, इस पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या दोनों न्यूज़ में डिटेल्स में क्या है। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एडवर्टाइजमेंट फॉर द जूनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक की तरफ से, और ये रिक्रूटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या पर्टिकुलर इसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये पूरी पर्टिकुलर वेबसाइट है। इसका ग्रेड पे और सैलरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। 15,600 यानी 5,400 ग्रेड पे के आसपास जो है, यानी आपकी जो एंट्री पे आप बनेगी वो 5,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से के आसपास जाके बनती है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज के बारे में अवेलेबल डिसिप्लिन वाइज द वेरियस कैटेगरी ऑन जुलाई सेशंस के लिए है यहाँ पोस्ट। तो वहाँ कार्डियोलॉजी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्ट्समेंट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर टोटल दिख जाती हैं। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। बाकी डिटेल्स में जो है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि आपके पास जो है MBBS BDS इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एकदम एक्सप्लेन किया गया है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं, बाकी नोटिफिकेशन से डिटेल को और क्लियर कर सकते हैं। तो आइए अब बाकी अपडेट पर देखते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु में नीट की बजाय 12वीं के मार्क्स से मेडिकल कोर्सेज में दाखिले का सुझाव दिया गया है। ये 3 तारीख की ही अपडेट की गई है। तो आइए पूरी डिटेल को इसको समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में कहा कि एक आधिकारिक समिति ने योग्यता परीक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिले के राज्य सरकार द्वारा एक कानून बनाने का सुझाव दिया है। सरकार ने कहा कि सदन में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा और यह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को समाप्त करने की आवश्यकता का भी संकेत देता है। तो यानी जो यहाँ पर विधेयक की बात की गई उससे तमिलनाडु में कहा गया कि तमिलनाडु के लोगों के लिए ये संकेत है कि ऐसा वो समाप्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपने विभाग के लिए विधानसभा में नीतिगत नोट और जो है 2021-22 रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुब्रमण्यम ने कहा कि इस पहल के से सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा और कमजोर वर्ग से आने वाले छात्र समुदाय को मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज में दाखिले में भेदभाव से बचाएगी। तो ये उन्होंने दलील दी है और उसको विधेयक के थ्रू चीज़ों को करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो ये छोटी सी एक वहाँ पहल की जा रही है कि नीट की बजाय सीधे 12वीं की। अब इसमें कितना प्रोग्रेस हो सकती है तो आने वाला वक्त बताएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।